गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है हमारे सिमी और मम्मी चैनल में। तो आज का व्लॉग जो है उसमें रेसिपी तो नहीं है, रेसिपी खाने के लिए नहीं है, गेम खेलने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा और बच्चों का है तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो बच्चों बोलने से हमारे साथ आज हमारे हम दोनों के साथ साथ आज हमारे बीच में है अन्योंग गाइस। मेरा नाम मान्यता पटनायक है और ये है मेरे देवर की बेटी। तो आज ये हमारे साथ हमारे ब्लॉग में आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे गेम खेल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिनी शेफ है आज की मान्यता पटनायक, वो प्रिपेयर कर रही है जो गेम खेलने वाले हैं। सो हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? स्क्विड गेम। तो स्क्विड गेम में क्या करते हैं? स्क्विड गेम में वो जो चॉकलेट टाइप का जो कैंडी टाइप का रहता है, कैंडी टाइप का जो रहता है वो वाला। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? चीनी माइट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी रखा हुआ है। तो हमारी मिनी शेफ बहुत मेहनत कर रही है इस गेम के लिए। सो ये गेम जो है मेरा सबसे फेवरेट है। सो आधा से ज्यादा क्रेडिट हमारी मिनी शेफ मान्यता पटनायक को जाता है। हमारा जो है वो शुगर मेल्ट होके उसमें सोडा डाल के हमारा तैयार हो चुका है। शेप भी दे दिया हमने, शेप भी दे दिया और पैन के नीचे रखे हैं। ड्राई होने से जल्दी गेम स्टार्ट करेंगे बोल के सोच रही हूँ और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और फुली एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि बोलने से ये फर्स्ट टाइम है चैलेंज विद सिस्टर्स। सो इसलिए इतना एक्साइटेड है कि आवाज ही नहीं निकल रहा इसका बाहर। और जल्दी सूखेगा तो हम जल्दी आपको गेम में मिलते हैं। सो हमारे साथ हादसा नंबर दो हो गया है। हमारा हमने इसको शीट दिया था और ये देख सकते हो ट्राई की पूरा मतलब प्लेट में चिपक हो गया है। अब आप इसको चाट के खा सकते हो। और एक बड़ा ये सेकंड हादसा है बहुत ही मतलब। और सर्कल के सिवा हमारा हमारे पास और कोई स्क्वायर का भी शेप कुछ मिला नहीं, तो हमने सब सर्कल ही डाल दिया है। और ये हादसा बहुत ज्यादा ही बुरा है क्योंकि हमारी मिनी शेफ ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और बहुत ज्यादा निराशाजनक मोमेंट है ये। कोई बात नहीं, इसी को ट्राई करो तुम लोग। ओके, स्टार्ट द गेम। देख सकते हैं गाइस, आप लोग इन दोनों को बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस। इतना ज्यादा मेहनत, मैं बहुत अलग रेंज हूँ। ये कोई मेरे को अच्छा से सो हमारा फाइनली हो गया है और यहाँ पे हम चॉकलेट का मजा भी उठा रहे हैं कुछ ज्यादा ही। बहुत ही ज्यादा मेहनत करके हमने किया आखिरकार। फाइनली दोनों ने बहुत अच्छा सा गेम को कंप्लीट किया है। तो और आप लोग देख सकते हैं दोनों ही विनर है। तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। और गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है सिमी और मम्मी चैनल में। सो कल के चैलेंज के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं और आज क्या है? रिपब्लिक डे। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक डे है करके इतना इम्पोर्टेंट डे होता है
और देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत खुशी का माहौल है, सो इसलिए इतना खुशी का माहौल है। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल के ब्लॉग के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, तो आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है स्मॉल फिश सांभर। और वो कैसे बनाते हैं चलिए आप देखते हैं। तो हम लोग आज बनाएंगे फिश। ये जो है फिश स्मॉल फिश है, तो ये स्मॉल फिश का जो खट्टा मीठा जूस है ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो पहले हम कढ़ाई चूल्हे में बैठा के तेल गरम कर लेंगे। और ये फिश जो है मैंने पहले से ही धो के इसमें हल्दी डाल के मिला के रख दिया था, तो अब इसे थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। ताकि इसका जो मछली का कच्चापन जो होता है ना निकल जाएगा। मैं जनरली ऐसे डब्बे में कवर डाल के रख लेती हूँ ताकि डस्ट उस्ट डालने के लिए ना इजी हो जाता है, डस्टबिन के लिए बार बार नीचे झुकना नहीं पड़ता है। जो छोटा प्लेट लेके आ जाना मछली निकाल के रख जाना। तो अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अच्छा खुशबू आ रहा है। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जिस कढ़ाई में मैंने मछली फ्राई किया था उसे मैंने ये छोटी मछली का जो जूस है वो बना लिया। तो तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब उसमें जीरा सॉरी सरसों है। अब हम डालेंगे जीरा। और अभी और लाल मिर्चा और हरा मिर्चा मिला के डालेंगे। थोड़ा फ्राई हो इसको अभी ऑनियन या टोमेटो ऑनियन लास्ट के साथ टोमेटो। ये धनिया पत्ता जो है हम लास्ट में गार्निशिंग करने के लिए डालेंगे। ओके तो अभी इसके बाद क्या डालेंगे? अभी प्याज फ्राई हो गया है। ओके तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ओके और आज ये जो छोटा मछली जो हो रहा है ये करी हो रहा है या फ्राई हो रहा है? नहीं ये ओके तो ये फ्राई हो रहा है अभी। हाँ तो तब तक ना हम लोग क्या करेंगे, इमली का जो ये प्यूरी है उसको ये इमली को हम लोग भिगा के रखा था ना जो उसको हम लोग प्यूरी पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। ओके तो अब ये जो प्यूरी है गुलू अब हम लोग इसको ये जो फ्राई हुआ है उसमें डाल देंगे। जितना खट्टा चाहिए हम लोग को टेस्ट के लिए, कोई कम खट्टा खाता है कोई ज्यादा खाता है तो हम लोग थोड़ा खट्टा खाते करके वो पानी बॉटल दी तो बोलो अब इसमें हम लोग और पानी ऐड करेंगे। ओके पानी ऐड
करने के बाद वहाँ सिमी वहाँ नमक का डब्बा है तुम्हें? हाँ मैं दे रही हूँ। अब इसमें हम लोग डालेंगे नमक। ओके टेस्ट अकॉर्डिंग। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी और डालेंगे ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है जो मैं पहले ही करके रख चुकी थी, उसको अब हम लोग 2 चम्मच डालेंगे और ये और फिर गरम मसाला है और इसमें फिश करी मसाला भी है थोड़ा डाल देंगे। अब ये थोड़ा बॉइल्ड होगा, जब तक ये बॉइल्ड हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा बेसन लेके उसको पानी में मिक्स करके रख लेंगे, क्योंकि बेसन का जो पानी डालेंगे उसको डालने से ये इसमें थोड़ा थिकनेस आएगा। ठीक है देखो। तो अभी हम लोग बेसन को मिला के पानी में रख लेंगे ताकि ये बॉइल होने के बाद हम लोग बेसन का जो पानी को मिला के रखेंगे उसको हम लोग डालेंगे, थोड़ा सा बॉइल्ड हो रहा है ये। ठीक है तो हम लोग बेसन ले लिए कटोरी में और उसको मिला के रख देंगे, ऐसे मिला लेंगे, बेसन भी ज्यादा नहीं 2 चम्मच। तो ये अच्छी तरीके से बॉइल हो गया है। तो ये अभी अच्छी तरीके से बॉइल हो गया है ना। ओके अब हम लोग इसमें डालेंगे हम लोग का फ्राई किया हुआ फिश। बॉइल करने के बाद इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये छोटा छोटा फिश है, ज्यादा बॉइल करेंगे तो ये पूरा ही चटनी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अभी डालें। अब फिश डालने के बाद फिर इसको थोड़ा बॉइल करेंगे। ओके बॉइल होने दो। तो अभी ये पूरा अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो गया है। ओके और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और जो फिश मसाला मिक्स है उसको डाल देंगे और ये एक बार अच्छा से चला देते हैं। और देखिए ये ज्यादा पतला नहीं। अब ये बन के तैयार है, अब हम लोग इसको बॉल पे डाल के सर्व करते हैं और धनिया पत्ते से गार्निश कर लेते हैं। तो गाइस हमारा रेडी है, हम लोग का जो छोटा स्मॉल फिश वाला जूस करी खट्टा मीठा जूस वाला वो बन के तैयार है। तो देखिए आप लोग और जरूर से ट्राई भी कीजिएगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है राइस के साथ। ओके आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, रेसिपी भी देखा होगा, सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके कमेंट से हम और प्रोत्साहित होंगे। तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिमी और मम्मी चैनल में। बाय।